बोहा वर्सेस बंजरा कबड्डी मैच, कालसी टूर्नामेंट, टॉस विन बाई बंजरा चॉइस कोर्ट, फर्स्ट रेड बोहा की ओर से। तो फिलहाल बोहा और बंजरा के बीच में कोर्ट नंबर एक पर शानदार मुकाबला चलता हुआ जर्सी नंबर पांच रेड पर, और शानदार चैन लेकर आए, क्या जबर किया इस बार लगातार खमरौली डिफेंडर्स के द्वारा। मैच की शुरुआत हो चुकी है, डिफेंस में पहला पॉइंट लिया है भांजरा की टीम ने। भांजरा भंद्रोटा वर्सेज खमरौली, सलगा वर्सेज तैयार हो जाएं, आरा वर्सेज सेज बंटाड़। फिलहाल विलेज लेवल का टूर्नामेंट दमखम ताकत और के साथ अपने पूरा बल यहां पर लगा दिया, साथ हिम्मत यहां पर दिखाई है इस बार बोहा की टीम ने। फिलहाल रेड भंजरा की ओर से अच्छा फुटवर्क, बोहा को यहां पर जरूर वार्निंग दी है कि वन मैन कंट्रोल योर टीम, सिर्फ एक ही खिलाड़ी अपनी टीम को कंट्रोल कर सकता है। कबड्डी डिसिप्लिन का खेल है, अनिश्चितता, पेशेंस आपके अंदर कितना है स्पोर्ट्स के अंदर। जर्सी नंबर पांच रेड पर, और इस बार भी गिर जाए। फिलहाल डू ऑर डाई भंजरा की ओर से जर्सी नंबर पांच, एक जर्सी नंबर पांच में बाहर बैठे हैं बोहा के खिलाड़ी, दूसरे स्टार रेडर भंजरा की जर्सी नंबर पांच कोर्ट पर। छह का डिफेंस एडवांटेज है कि बोनस ऑन है यहां पर फिलहाल, लगातार दोष देते हुए ग्राउंड संख्या दो पे आ जाए दोनों करते हुए बार बार, पर यही कबड्डी है कि आप एक जगह नहीं हो, आसानी से पहुंचे कोर्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और उसका पूरा एडवांटेज रेडर को मिलता है। बोहा के रेडर पहली रेड पर सुपर हिट की थी, यही वो खिलाड़ी है जो तीन पॉइंट के साथ रेड की, लेकिन फिलहाल यहां पर एम्प्टी रेड यहां पर करनी होगी उनको। जर्सी नंबर दो भंजरा की ओर से रेड पर, नौ टच की कोशिश कर रहे हैं, कसमों का दौर जारी। अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य होगा, एक नेगी इस बार। इनका डिफेंस सुपर टेकल और तीन या तीन से कम खिलाड़ी जब कोर्ट पर हो तो सुपर टेकल माना जाता है, टेकल करने वाली टीम को दो पॉइंट मिलते हैं। फिलहाल एडवांटेज है सुपर टेकल का, क्या पहुंच पाएंगे जी नहीं। हेलो भद्रता वर्सेस खमरौली, ये दोनों टीमें पहुंचे कोर्ट, कैंतोरा सर ये जो अभी चेंज किया है खिलाड़ी, इसका सोल वाला जूता लगा हुआ है, इसको चेंज कराइए। जर्सी नंबर तीन रेड पर, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इनके पास, तजुर्बा है, कई सालों से कबड्डी खेलते हुए आए हैं, अपने गांव की ओर से अपने बुआ को रिप्रेजेंट, और जिस तरह की इनके अंदर क्षमता है और जिस तरह से मैंने अभी तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं वहां पर इन सभी खिलाड़ियों को मैंने देखा है, अच्छा टैलेंट है, अच्छा इनको मौका मिलता है, और प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो कमाल का है। डीएस नेगी अच्छी दावा किया है लेफ्ट कॉर्नर पे, लाइटों का कृपया ध्यान दें, लाइट पहले से आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, हर मैदान में लाइटों पर ध्यान दें, लाइट को एक बार चेक कर लें, टेंट कर्मी कृपया ध्यान दें लाइटों को चेक कर लें। ओ डाई रेड यहां पर फिलहाल,
जर्सी नंबर तीन आए हैं अभी नेगी, क्या अभी अभी पॉइंट लेकर आएंगे इस रेड पर? खाली हाथ नहीं लौट सकते, एडवांटेज है, बोनस ऑन है, पहले थकाया और आसानी है हमारी क्रीडा कमेटी, वो जल्दी से कोर्ट पर पहुंचे क्योंकि समय का अभाव है, रात हो चुकी है। और फिलहाल डू ऑर डाई, सुपर टेकल ऑन, बैक होल्ड की कोशिश कामयाब नहीं, गलती। फिलहाल बेहतरीन ऑफिशिएट यहां पर देखने को मिलती हुई, AKFI से हमारे तमाम ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद है, जो नेशनल रेफरी है, अक्सर प्रो कबड्डी नेशनल में हमको देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को ये खिलाते हैं, चाहे बड़ा नाम हो, चाहे प्रदीप नरवाल हो, चाहे राहुल चौधरी हो, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, सुपर टेकल, स्कोर बराबर। हेलो, जर्सी नंबर 17 खतरों से खेलते हुए 6 के डिफेंस के सामने, गांव का कोई पता नहीं, अभी जब यहां खत्म होगा तब जाऊंगा। भंजरा की ओर से रेड 3 का डिफेंस, सुपर टेकल ऑन, नंबर राइट कॉर्नर चैन में, मिक्की नेगी अकेले मिक्की बचे हैं, मिक्की नेगी रेड पर, 7 का फुल हाउस, डू और डाई रेड भी है, क्या करते हैं टीम को ऑल आउट होने से बचाएंगे, क्या डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे? अच्छी कोशिश कर रहे हैं लेकिन डिफेंस मजबूत है। संगा की टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड में, उबलो भी पहुंचे तुरंत, और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल सीनियर का फाइनल मुकाबला होगा, चैलेंज कर रहे हैं, लोबी के अंदर जाओ, लखाउटी वर्सेज चंडीगढ़ के बीच में फाइनल मुकाबला होगा सीनियर्स का, अकेले मिक्की ने पिछली रेड शानदार की थी, अपनी टीम को आउट होने से बचाया था, इस बार भी उन पर जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी उनके पर है। फिलहाल टाइम आउट, उबरियो और सलगा अभी मैदान नंबर 2 पर पहुंचे हैं। फिलहाल तो का डिफेंस है, सुपर टेकल ऑन, हेलो उबरियो, बी की टीम पहुंच, कोर्ट नंबर 2, पहला हाफ 10-8 पे खत्म, इन फेवर ऑफ 10-8। सुबह के जो मैच था 8 बजे, सभी टीम कैप्टन अपने टीमों की रिपोर्ट 8 बजे ऑल आउट हुआ, क्योंकि कल मान इसलिए उनके आगमन से पूर्व हमें सभी क्रीड़ा प्रतियोगिताएं समाप्त करनी है, इसका भी हमारा फाइनल 50 मिनट सुना नहीं जाएगा। फिलहाल यहां पर पूरी स्पीड लगा दी थी उन्होंने, चौथे गियर डाल दिया था गाड़ी का, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए मिडिल लाइन तक। फिलहाल यहां पर जिस तरह से गांव वाइज की टीम यहां पर खेल रही है, कई खिलाड़ियों में अच्छा टैलेंट होता है, क्योंकि कबड्डी हमारा मिट्टी का खेल है, हमारे घर से जुड़ा हुआ खेल है, हर भारतीय ने कबड्डी जरूर खेला होगा। फिलहाल कंट्रोल नहीं कर पाए स्पीड में, लोबी के अंदर चले गए, भंजरा, ओ बुहा वर्सेज भंजरा के बीच में कोर्ट नंबर 1 पर मुकाबला चलता हुआ, सभी टीम कैप्टन एक बार पुनः ध्यान दें, कल प्रातः 8 बजे से सभी बिना ही मैदान गतिमान हो जाएंगे, तो आप सुबह 8 बजे मैदान, इसी तरह का कोई भी बहाना कल मान्य नहीं होगा।
अंदर एंकल होल्ड राइट कॉर्नर से लाल पंजरा की ओर से दो का डिफेंस सुपर टेकल ओवर और तो हम से ऑल आउट 22-8 इन फेवर ऑफ भंजरा लेकिन अच्छा लगता है कि इस तरह की प्रतिभा है कबड्डी के प्रति इनका कितना जुनून है कितना सम्मान देते हैं इस खेल को अच्छा लगता है कि हर गांव से टीम आती है और जोन सर ऑफिसर साथी कृपया ध्यान देंगे आपके ग्राउंड जैसे ही खाली होते हैं तो आप क्रीड़ा मंच से संपर्क करेंगे सभी ऑफिसर साथी कृपया ध्यान देंगे आपके मैदान जैसे ही खाली होता है तो आप और ये भंजरा विनर